Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So welcome back to our channel. और आज मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पूरा वीक में बहुत बिजी थी और हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रेडी नज़र आ रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेहंदी में। राफे कज़न की मेहंदी है तो मैं आज वहाँ जा रही हूँ और अब राफे भी तैयार हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उनको भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? देख सकते हैं उन्होंने वाइट पहना है और मैंने मल्टी फुल, क्योंकि मेहंदी में तो मल्टी कलर ही चलते हैं। और तैयार हो गए आप? बताओ, आधे घंटा लगा है इनको तैयार होने में? आधा घंटा मुश्किल से, 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। नहीं तो, और गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ। अब आप देख सकते, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। ये मैंने खुद किया है एज यूजुअल, और कौन करेगा मेरा मेकअप। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके मैचिंग के झुमके हैं। बस अब रेडी हो गई हूँ, अब बस निकलते हैं, फिर आपसे मैं उधर चल के मिलती हूँ। अब हम निकल चुके हैं मेहंदी में जाने के लिए। यहाँ हम मेहंदी में पहुँच गए थे और सबका इंतज़ार कर रहे थे कि सब आए। हम सबसे पहले पहुँच गए थे और कोई आया भी नहीं था, और फिर यहाँ हमने पिक्चर्स वगैरह लिए। बाकी यहाँ गाने वगैरह चल रहे थे तो मैंने कहा वॉइस ओवर दे देती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो बस ये था पूरा मेहंदी का सेटअप, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सेटअप था। और यहाँ बस मैं अपने नेल पॉलिश दिखाते हुए, बाकी ये सब इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा वाले आएँ। ये रैंडम बच्ची आके मेरे ऊपर है ना गुलाब की पत्तियाँ फेंक रही थी और मैं इसके ऊपर फेंक रही थी। और फिर ये अरबिश है और यहाँ भी गाने चल रहे थे तो मैंने कहा कि वॉइस बंद कर देती हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है। मैं ऐसे बैठे थे, ये बार बार आके मेरे ऊपर गुलाब की पत्तियाँ फेंक रही थी, मैंने कहा कि अरबिश के ऊपर फेंको। यहाँ तीन ग्रूम पहुँच गई थी और डांस कर रही थी, बाकी इधर गाने चल रहे थे, सिंधी सॉन्ग था तो वो कॉपीराइट का इशू आ जाता तो फिर मैंने वॉइस बंद कर दिया। अब सिंधी कोई गाना नहीं चले हमारी शादियों में तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ ग्रूम थोड़ा इमोशनल हो गया था, खुशी के आंसू थे ये। यहाँ दोनों की एंट्री हो रही थी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। यहाँ कुछ था ही नहीं तो मैंने कहा कि अपनी वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, तो ये बस मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी। ये राफी कज़न की बेटी थी जो मेरे पास बिल्कुल चुप होके बैठी हुई थी। सेपरेशन थी, मेल अलग जगह बैठ रहे थे और फीमेल अलग जगह, और बस मैंने अपने फुल लुक की पिक्चर नहीं ली क्योंकि सब बिजी थे, तो मैंने कहा शादी में लूँगी अब।